जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकिड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो rishto.com जी टीम सां। rishto.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देवेंद्र फडणवीस साहब बात कर रहे हैं। जी हेलो। हाँ जी देवेंद्र जी, तबियत वगैरह ठीक है? एकदम तकातक सर, बिल्कुल बढ़िया। जोरों से संघर्ष किया आपने उस दिन? जी सर, जी सर, सबने जोरों से संघर्ष किया और हम लोग पूरी पार्टी आपके साथ में है। अभी अगले हफ्ते आऊंगा आपके घर पे। सर आप ये मान के चलिए, आपने जैसे हमको रविंद्र चौहान दिया है ना यहाँ पर, उसके बाद जितनी हमारी हिम्मत बढ़ी है ना, हमें पता है कि हमने उनके, आप बिल्कुल, आपका हमारे पास साथ रही है, हम इन गुंडों से डरते नहीं है। और मैंने सारे राष्ट्रीय चैनलों पे कहा है कि आप भले मुझे मार भी देंगे ना तो भी हम आपसे डरेंगे नहीं। यस, बहुत बढ़िया कहा आपने। मैंने आपका टाइम्स नाउ का इंटरव्यू देखा, बहुत सुंदर हुआ वो। सर आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए सर, हम तो बचपन से आप एक ही विचार से जुड़े हुए हैं सर, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। यस, बहुत अच्छा लगा, आपने मेरा हौसला बढ़ाया सर, थैंक यू वेरी मच। कभी कब आएंगे सर उल्लास नगर? मैं अभी अगले हफ्ते आने का विचार कर रहा हूँ। थैंक यू सर, पता क्या होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और आपके विरोधी पक्ष के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि आपने बहुत अच्छी तरह से संघर्ष किया इन गुंडों के साथ। मुझे बहुत खुशी है कि सर्वोच्च नेता जब यह कहता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है, तब मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे गुंडों के साथ और बड़े जोर से मैं लड़ूंगा और जब तक लड़ता रहूंगा जब तक इनकी गुंडागर्दी और ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक जो काम करते हैं इनकी ख़त्म करना, पूरी तरह से जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक मैं लड़ता रहूँगा। मैं इनको बताना चाहता हूँ, शिवसेना के लोगों को, कि नेता जो है वो किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से वह कार्यकर्ता को फ़ोन करके ये बताता है कि पूरी पार्टी तेरे साथ खड़ी है। इसके लिए मैं देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। पिछले दिनों उल्लासनगर महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर उल्लासनगर भाजपा के स्वीकृत नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी पर शिवसैनिकों की तरफ से हमला करते हुए उनका मुंह काला किया गया था, जिसके बाद यह हमला करने वाले शिवसैनिकों को सेंट्रल पुलिस स्टेशन की तरफ से गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने शिवसैनिकों को जमानत दे दी और कोर्ट परिसर के बाहर आते ही उल्लासनगर शिवसेना के नेताओं की तरफ से हमला करने वाले शिवसैनिकों का फूल मालाओं के साथ सत्कार किया गया। इस पूरे मामले में नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी अब क्या बता रहे, आइए जानते हैं। देखिए, मेरा इस पे ये कहना है कि 12 लोग मिलकर मुझ पर हमला करते हैं और उसके बाद उनको जमानत मिलती है, जो एक हरेक प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उसके बाद बड़े नेता धनंजय बोडारे, राजेंद्र चौधरी, भुल्लर महाराज, दिलीप गायकवाड़ उनका स्वागत करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम कर दिया और ये बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हैं, जिस तरह से उनका जंगी स्वागत किया गया। मुझे एक बात याद आ गई कि तालिबान ने अभी अभी इन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तो जिस तरह से आतंकवादियों को वहाँ पर मंत्री बनाया जाता है, उसी तरह से इन सारे बदमाशों गुंडों को ठाकरे सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद मंत्रिमंडल में उनको शामिल न कर पाएं, क्योंकि तीन पार्टियों की सरकार है, इतनी शायद जगह नहीं हो कि इन 10-12 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकेंगे। लेकिन उल्लासनगर महानगर पालिका ने कम से कम यह तो करना चाहिए कि एक प्रस्ताव लाना चाहिए जिसमें शूरवीर महेंद्र पाटिल तरण तलाव, वीर बाला श्रीखंडे चौक ऐसा नाम रखना चाहिए, साहसी ज्ञानेश्वर मड़साड़े क्रीड़ा संकुल, बहादुर संदीप गायकवाड़ सभागृह, पराक्रमी विनोद सालेकर उद्यान, राजेंद्र चौधरी कप्तान राजेंद्र चौधरी नगर, ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम किया है।
कि 12 लोगों ने मिलकर मुझ पर हमला किया, उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगे, पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनको जमानत मिली, आरोप से मुक्त नहीं हुए, उनका माल शालाओं से बहुत जंगी स्वागत किया गया। मेरी शिवसेना पार्टी से यह गुजारिश है कि आपने इनको कम से कम इस शहर में सड़कों तरण तालों का नाम महासभा में प्रस्ताव आके रखना चाहिए, ऐसा मेरी इनसे रिक्वेस्ट है। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इनमें इनको साथ देगी, उनके साथ रहेगी और इनके नामों का यहाँ पर एक मत से प्रस्ताव पारित करेंगे। देखिए यह बात बिल्कुल सही है कि हम लोग शिवसेना सरकार के ऊपर विरोधी विरोध में टिप्पणी करते हैं और कई तरह की बातें करते हैं। ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है और सत्ता में ये बैठे हैं, और संसदीय ढंग से की गई टीका टिप्पणी यह लोकतंत्र की भारत देश की खूबसूरती है। इसमें इसलिए क्योंकि आपके बड़े नेताओं पर मैं टीका टिप्पणी करता हूं, इसीलिए आप मुझ पर मारपीट करोगे, अकेले के ऊपर 12-12 लोग लेकर मारोगे, तो श्रीमान राजेंद्र चौधरी साहब आप तो अपने मुख्यमंत्री पर टीका नहीं सहन कर पाते, लेकिन जब आप शिवाजी चौक में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी और देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस समय भी आप, क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है गुंडे भेजकर आपको मारने की, लेकिन क्या आप अपने को अपने गुंडों द्वारा मार खिलवाएंगे, ऐसा मेरा आपसे प्रश्न है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।